तो मैं आपको आज कुछ दिखाने वाला हूँ। जो सिंध नदी का ये पुल है, उधर शिवपुरी की साइड से शुरू होता है, उधर शिवपुरी से आने वाले लोग हैं जो इधर जाते हैं, उनको 2-3 साल पहले बहुत समस्या उठानी पड़ती थी, क्योंकि इसी पुल से उनका निकलना आना जाना होता था डेली। और सिंध नदी आने के कारण पहले नहीं जा पाते थे शिवपुरी। और दोस्तों, पहले का पुराने ज़माने का पुल तो आप देख ही सकते हो, पुल भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पुल है नीचे का, देख सकते हो गाइस। इस पुल से लोग बाग कैसे निकलेंगे जब नदी तूफान पर आएगी, कैसे निकल पाएंगे? 3-4 महीने तो निकल ही नहीं पाते थे जब सिंध नदी तूफान पर आती थी। ये देख सकते हो, अभी भी सिंध नदी में पानी बह रहा है, तो बरसात में कैसे निकल पाएंगे? तो सरकार ने जो किया है, जो पुल बनने के कारण अब कोई समस्या नहीं देखनी पड़ती है। इधर से शुरू होता है शिवपुरी का रास्ता है, इधर से पुल बनाया सरकार ने, बहुत अच्छा सुविधा किया। अब लोग वहाँ कोई परेशान नहीं है और कोई समस्या नहीं आती है पहले क्या। दोस्तों, सिंध नदी आने के कारण लोग वहाँ ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल सब उसमें बह जाता और जान भी गंवानी पड़ती थी उनको सिंध नदी की चपेट में आकर। सिंध नदी का आप देख ही सकते हो दोस्तों, ये इसमें पत्थर कितना पड़ा है, पत्थर कंकड़, और इसमें कितनी बड़ी बड़ी ये चट्टाने हैं। अगर दोस्तों, अगर इस पानी में अगर एक बार आ जाए आदमी तो उसका बचना बहुत मुश्किल है, वो तो भगवान को प्यारा ही हो जाएगा। एक दो मिनट ही लगेगा उसको इसमें मरने में। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। और दोस्तों, उधर से सिंध नदी आ भी जाए और लोग बाग इधर फ्रेश होने बैठ जाएं, पानी पीने लग जाएं, और आने में 2-3 मिनट ही लगेगा नदी को वहाँ से यहाँ तक, उस चपेट में ले जाएगी भागकर। और जो आदमी इस चपेट में आ जाएगा वो तो भगवान को प्यारा हो ही जाएगा। तो सरकार ने अब अच्छा सुविधा कर दिया है, गाँव वाले आने जाने वाले को कोई समस्या नहीं है। ये पहले का सबसे पुराना पुल है जो आप देख पा रहे होंगे, आज से 50-100 साल पुराना ये पुल है। और ये पुल पे से अभी भी हम निकलते थे 3 साल पहले दोस्तों। ये वाला ब्रिज तो अभी अभी बना है, 2 साल पहले, 2 साल हुआ इसको बने। ये कलर भी देख सकते हो, अभी पूरा नया ताज़ा बना है, 2 साल हुआ है क्रैक। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, ऐसे ऐसे नई वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई मुझे।